हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ वांगशन फैन फिक्शन लव अफेयर्स का। ये स्लाइटली आपको गाइस हैरी पॉटर से सिमिलर मिलेगी। इसका कहीं भी पब्लिश नहीं है ये स्टोरी, और इसका लिंक जो है वो आपको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास राइटिंग का टाइम नहीं है। गाइस, आपको मेरी सारी स्टोरीज़ मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर और मेरे दूसरे चैनल लव स्टोरी टेलर पर मिल जाएंगी, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और गाइस, ये स्टोरी जो है वो बहुत हद तक सिमिलर है हैरी पॉटर सीरीज से। तो अगर आपको लगता है किसी चीज़ से आप उसे अटैच कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये उन चीज़ों से अटैच्ड है। ये बहुत सारी जगह पे रनवन और पिंकेचू से भी रिलेटेड है। और गाइस, मेरा आजकल इंटरनेट अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से मैं रनवन और पिंकेचू अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। और रिसेंटली बहुत सारे इवेंट्स मेरी लाइफ में आ गए, जैसे कि लोगों की शादी अटेंड करना, बर्थडे अटेंड करना, पार्टी पर पार्टी आई जा रही है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा। बट सून 2-3 दिन कि गैप में मैं जल्दी से उन दोनों स्टोरीज़ को फिर से शुरू कर दूँगी, और आप लोगों को फिर वेट करना नहीं होगा। मैं श्योरली उसे अपडेट कर दूँगी। और गाइस, चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने जाना था कि जो हमारा विंग था लंजा था सॉरी विंग था नीहो सिंह था, और हमारा जंगछा था शिजे थी, ये सारे के सारे एक रूम में थे। अब ये जो ट्रेन होती है ना, ये एक सुनसान जगह पर जाकर रुकती है। वो जगह प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं ही धुआं होता है। विंग, चंगछा, नीहा सिंह और शिजय आराम से बाहर आते हैं। इन सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि छू मंत्र गली में जाने का वक्त आ गया है। ये देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ उतर रहे हैं, और सबने जो है अपना अपना सामान, अपनी अपनी जगह, क्योंकि इनके रेल के कंपार्टमेंट्स बन गए थे, इन सब ने अपना अपना सामान वहीं छोड़ दिया था। और उसके बाद ये अपने अपने कंपार्टमेंट को लॉक करते हुए, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके की ट्रेन थी, ये आराम से लॉक करते हुए नीचे उतरते हैं। विंग देखता है कि यहाँ पर ऐसा ही नहीं है, सारे नए स्टूडेंट हैं, कुछ जो हैं इनसे सीनियर स्टूडेंट भी हैं, सीनियर विंग्स के लोग भी हैं। वो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को गैदर करते हुए, कुछ वो बूढ़ी अम्मा जो थी जो कि इन लोगों को खाने का पदार्थ देने आई थी, वो भी बच्चों को बड़े प्यार से ग्रीट करते हुए। यहाँ पर एक लालटेन लेके एक मोटा बहुत बड़ा सा बंदा आता है, और यहाँ पर जो ये मोटा अजीब सा बड़ा सा बंदा आया था, इसका नाम था हैग्रिड। ये आता है और ये सारे बच्चों को कहता है, चलो बच्चों, मैं आप लोगों को छू मंत्र गली ले जाना चाहता हूँ, और सारे लाइन बना के चले, और कोई भी किसी का हाथ ना छोड़े, आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना, और कोई भी कहीं से गायब मत हो जाना। विंग जो था वो प्यार से, बड़े प्यार से नीहू सिंह का हाथ पकड़ लेता है, जो कि थोड़ा डरपोक था। विंग को भी कहीं ना कहीं लग रहा था ये ना हो अज़्काबान के पिशाच जो हैं वो यहाँ आ जाएं और विंग के अंदर से उसके सोल निकाल लें। पता नहीं, विंग जो था वो अपनी सोल से कुछ ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका था। विंग जो है वो फटाफट से नीहू सिंह का हाथ पकड़ता है, और विंग का हाथ, एक हाथ शिजे पकड़ती हैं, और शिजे का हाथ जंगछा पकड़ता है। ये धीरे धीरे सारे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हुए थे, ताकि जिसके कंधे से हाथ हटेगा उसे पता चल जाएगा कि उसके आगे का बंदा या पीछे का बंदा जो है वो कहीं ना कहीं गायब है, मिसिंग है, और वो एक दूसरे को जल्दी से इन्फॉर्म कर पाएंगे। विंग जो था यहाँ पर पूरे बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करता हुआ ये लोग छू मंत्र गली की तरफ पहुँच जाते हैं। छू मंत्र गली में इन सबको इनकी स्वर्ड मिल रही थी, और साथ में गाइस, ये हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है, ये कल्टीवेशन या मॉडर्न फैन फिक्शन नहीं है, कल्टीवेशन की दुनिया से रिलेटेड है। बट यहाँ पर सारू ने पुराने चाइनीज अटायर पहने हुए थे, और विंग जो था वो ऑलरेडी जैंगलैन की ड्रेसअप में था। यहाँ पर इन सब ने ट्रेन में ही अपनी ड्रेसेस को चेंज करके वाइट कपड़े पहन लिए थे। विंग जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज तरीके से आसपास की चीज़ों को देख रहा था। यहाँ पर एक बुढ़ा चाइनीज़ आदमी बैठा हुआ था, जो कि अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए उन लोगों को उनकी स्वर्ड देता है, और विंग के हाथ में एक जादुई स्वर्ड आती है। वो उन लोगों को बताता है कि हर स्वर्ड की एक एक खासियत है, जिसमें से वहाँ पर विंग रखी एक स्वर्ड को फटाफट से खोल देता है। जैसे ही वो स्वर्ड को खोल देता है, वो आदमी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया? विंग कहता है, क्यों, मैं इस स्वर्ड को क्यों नहीं खोल सकता? वो आदमी कहता है, इस स्वर्ड को सिर्फ उसका मालिक खोल सकता है, यानी कि तुम्हारी सोल इस स्वर्ड से कनेक्टेड है। तुम कौन हो लड़के? विंग कहता है, मेरा नाम वेवुशन है, और आप क्यों पूछ रहे हैं ये सारी चीज़ें? वो आदमी कहता है, वेवुशन, क्या तुम वी चांगसे के बेटे हो? विंग कहता है, हाँ, आपको
आपको कैसे पता? वो कहता है, एक्चुअली तुमसे पहले तुम्हारे ही एंसेस्टर की ये तलवार थी, तुमसे पहले तुम्हारे बाबा की सोल इससे कनेक्टेड थी, और सिर्फ उनकी सोल ही इस इतनी प्यारी जादुई मायावी तलवार को खोल सकती थी। और देखो ना, आखिर इस एंसेस्टर्स की तलवार ने तुम्हें यहाँ भाप ही लिया। ये जब तक इसका जो मालिक होता है वो मर नहीं जाता, या फिर इसकी सोल दूसरी दुनिया में नहीं चल जाती, तब तक ये जो स्वर्ड है वो दूसरे इंसान को अपना मास्टर नहीं मानती। और देखो ना, ये तुम्हारे पूर्वजों की स्वर्ड है जो पहले तुम्हारे दादा परदादा के पास थी और धीरे धीरे तुम्हारे पिताजी के पास आई, और अब वो तुम्हारे पास है। इस सोल ने अपने आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को पहचान लिया है। कमल की बात है ना? वीन कहता है, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था पिताजी तलवार चलाते थे। वो कहता है, ऑब्वियसली कल्टीवेटर्स तलवार नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? विंग कहता है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मैंने आज दिन तक सच में ऐसे कोई भी जादुई तलवार नहीं देखी। विंग आसमाने के लिए उस तलवार को फिर से बंद करता है और जंक्षा को उसे खोलने के लिए कहता है। जंक्षा उसे जैसे ही इतराते हुए खोलता है तो वो देखता है कि उससे वो तलवार खुली ही नहीं है। फिर ये चीज़ देखकर न्यू सिंह भी कहता है, ब्रदर वे, मैं भी इसे एक बार चेक करना चाहता हूँ, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? विंग कहता है, ऑफ कोर्स। और वो बड़े प्यार से न्यू सिंह के सामने भी उस तलवार को रखता है। न्यू सिंह भी पूरी पूरी कोशिश करता है उस तलवार को खोलने के लिए, लेकिन वो असफल हो जाता है। यहाँ पर विंग जो था वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था और उस तलवार को अपनी कमर पर बांध लेता है, एक कमर पट्टा लेके। यहाँ पर वो आदमी विंग से 10 चांदी के सिक्के लेता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं थे, बट ये चांदी के सिक्के उसके पिता के मृत्यु के बाद उस तलवार को बचाकर बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ लाए जाने पर और उसकी मेंटेनेंस रखने के लिए थी। यहाँ पर विंग जो था वो 10 सिक्के दे देता है, क्योंकि जियांग फेंगमैन ने उन्हें काफ़ी सारे पैसे दिए हुए थे। और यहाँ पर जैसे ही वो चांदी के 10 सिक्के देता है, वो आदमी कहता है, वो तो तुम पूरी तैयारी के साथ ही आए हो, अच्छा अब मैं तुम लोगों को एक और चीज़ देने वाला हूँ। विंग हैरान हो जाता है, वो उन लोगों को तालिस्मान से पहली बार इंट्रोड्यूस कराता है, जो चीज़ कभी विंग ने देखी ही नहीं थी। विंग हैरान हो जाता है कि ऐसी भी चीज़ होती है। वो तालिस्मान यूज़ करके सामने वाली दुकान दीवार पे एक अलग सी तितलियाँ, फ्लाइंग, बहुत सारी चीज़ें बनवाता है। और उसके बाद वो तालिस्मान पेपर सबसे खरीदने के लिए कहता है। बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और उसे खरीद लेते हैं। विंग और जंगछा और बाकी सब भी उसे काफ़ी अच्छे मार्जिन में खरीदते हैं और बहुत सारे पेपर्स अपने पास रखते हैं। फिर वो उन लोगों को छड़ी से इंट्रोड्यूस कराता है। वो वहाँ पर बहुत ही अलग अलग किस्म की छड़ी दिखाता है बच्चों को, एक एक करके बहुत सारे बच्चे वहाँ छड़ी लेते हैं। सीनियर्स के पास ऑलरेडी अपनी छड़ी थी तो उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं थी। न्यू कमर्स आए बच्चों में सारे अपनी अपनी छड़ियों को टटोलते हैं और जो छड़ियाँ उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं वो उन्हें चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी छड़ी अपने मास्टर खुद ही चुन लेती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ऊपर गोल्डन कलर का डब्बा रखा हुआ था। वो गोल्डन कलर का डब्बा अचानक से हवा में आ जाता है। ना जाने कितने टाइम से ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये गोल्डन कलर का डब्बा इस तरह से बीच जगह क्यों आ गया है। ये तो उसकी है ना, ये तो उसकी छड़ी है। गाइस यहाँ पे रिवील नहीं करी कि ये छड़ी आखिर किसकी है, फ्यूचर में आपको ज़रूर पता चलेगा। यहाँ पर यह आदमी कांपने लगता है और कहता है, ये छड़ी तो ये किसके लिए यहाँ आई है? वो उस गोल्डन छड़ी को अपने जादू से वापस रखने की कोशिश करता है, पर तभी के तभी वो गोल्डन छड़ी एकदम से विंग के सामने आ जाती है, सॉरी गोल्डन डब्बा विंग के सामने आ जाता है। विंग वो गोल्डन डब्बा देख के हैरान हो जाता है जो कि उसके सामने आया था। और विंग जो था वो तभी के तभी देखता है कि उसके सामने वो गोल्डन डब्बा खुल जाता है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी काले रंग की छड़ी पड़ी हुई थी, जिसकी जो काफ्स थे जैसे कि बाकी की छड़ी जो थी वो पीछे सिल्वर प्लेटेड थी, पर ये जो छड़ी थी ये डायमंड और गोल्ड से रदी हुई थी और इसमें बहुत सारी रूबीज भी थी। यहाँ पर एकदम से वो आदमी कहने वाला होता है कि बच्चे इसे हाथ मत लगाना। तभी विंग जो था उसने इस चीज़ को सुना ही नहीं और उससे पहले ही वो छड़ी को हाथ लगा लेता है। छड़ी में बहुत ज़्यादा शाइन थी और बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही अलग सा ऑरा था, नेगेटिव पॉजिटिव ऑरा मिक्स था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी दो युग की चीज़ों को संतुलन बैठाने में कोई चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे ही विंग उसे अपने हाथ में लेता है,
उसमें एक अलग सी रोशनी नज़र आती है, और वो रोशनी पहले ग्रीन होती है और उसके बाद ब्लू में बदल जाती है। विंग एकदम से हैरान था ये क्या हुआ है, और तभी वो मास्टर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, इस छड़ी ने तुम्हें अपना मास्टर चुना है। विंग कहता है, ओह तो इतनी ब्यूटीफुल छड़ी मेरी है। तभी जो हमारा प्यारा लंजा सॉरी जंगछा होता है वो वहाँ घूमते फिरते आता है और कहता है, दिखा ना मुझे अपनी छड़ी, मैं इसे चलाना चाहूँगा। जैसे ही वो उस छड़ी को हाथ लगाने वाला होता है कि उस छड़ी से इतनी तेज़ करंट लगता है कि दूर जाके जंगछा गिरता है। विंग हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो आदमी कहता है, विंग की छड़ी यानी कि वेव विशन की जो छड़ी है वो बहुत ख़तरनाक है, तो प्लीज़ उसे कोई भी बिना टच ना करें, बिना परमिशन। और दूसरी चीज़, आप लोगों की छड़ियाँ सिर्फ आपको ही अपना मास्टर मानती हैं, कोई और उसे इस्तेमाल करेगा तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और प्लीज़ अपनी छड़ी किसी और को ना दें और ना ही दूसरी की छड़ी बिना किसी प्रिकॉशन के हाथ लगाएं, वरना वो छड़ी आपकी जान भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छड़ी बहुत ज़्यादा घातक है, स्पेशली जो मास्टर वे के हाथ में जो छड़ी है। विंग बहुत ज़्यादा अमेज होता है और वो सच में बहुत ज़्यादा अलग तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से उस छड़ी को देख रहा होता है। विंग जो था यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमेज था, वो अपनी छड़ी से खेलता रहता है और एक कोने में चला जाता है। यहाँ पर सारे बच्चे करके अपनी छड़ी को देखते हैं, जंगछा शिजे निहसेंग अपनी छड़ी को देखते हैं, और फिर वो लोग धीरे धीरे करके वहाँ से सीनियर्स उन सबको ले जाते हैं। पर विंग अपनी छड़ी को देखने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, खो गया था। उसे अपनी छड़ी में बहुत सारी अलग चीज़ें दिख रही थी, जैसे कि वो गोल्ड प्लेटेड थी, दूसरी उस छड़ी के अंदर ना जाने कितने तरीके के रत्न रूबी टिके हुए थे, और वो मन में सोचने लगता है, आखिर ये छड़ी इतनी एक्सपेंसिव इतनी सुंदर किसने बनाई होगी। वो बहुत सारी उस ब्लैक छड़ी को देख के कल्पना करने लगता है, और उसने किसी का भी उस तरीके का गोल्डन डब्बा नहीं देखा था। वो मन में सोचता है, क्या ये छड़ी प्रीशियस है या इविल है। वो ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है कि वो देखता है कि वहाँ पर सारे के सारे जो उसके लोग थे वो बाहर चले गए थे, और विंग वहाँ पे अकेला सोचते सोचते अकेला रह गया था। तभी वो उस दुकानदार से पूछता है कि सारे लोग कहाँ गए। वो दुकानदार कहता है, वो लोग तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं। विंग जो कि वहाँ के रास्ते नहीं जानता था, वो बहुत जल्दी वहाँ पर आस पास भागने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, सारे के सारे लोग शायद चले गए हैं। वो कभी इधर भागता है कभी उधर, तभी उसे एक छोटा सा बच्चा वाइट कपड़ों में टकराता है, जिसने हेडबैंड पहना हुआ था। उसके सारे कपड़े प्योर वाइट थे। यहाँ पर घुसू जाने के लिए विंग ने भी वाइट कपड़े पूरे ऊपर से नीचे तक पहने हुए थे। वो बच्चा बहुत ही छोटा लग रहा था, जैसे मानो कोई 5-7 साल का बच्चा हो, और वो बच्चा उसकी हाइट थोड़ी बाकी बच्चों के मुकाबले बड़ी थी। उसका कोल्ड फेस था और वो इधर उधर देख रहा था। विंग उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम खो गए हो। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, बताओ ना मुझे, क्या तुम खो गए हो ब्रदर। वो बच्चा कहता है, क्या तुम घुसू जा रहे हो। विंग कहता है, मैं खो गया हूँ। वो बच्चा कहता है, मुझे यहाँ से रास्ता पता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। विंग कहता है, पर मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे करूँ। वो कहता है, मैं घुसू से हूँ। वो अपने पास से एक पट्टी दिखाता है। वो बच्चा बहुत ही छोटा लग रहा था। विंग कहता है, तुम घुसू क्या करने जा रहे हो, तुम्हारी एज अभी 14 नहीं हुई, तुम वहाँ कैसे रह सकते हो। वो बच्चा कहता है, मैं घुसू में ही रहता हूँ, मेरा वो घर है। आप लोगों के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी खुली है, जहाँ पर नए नए लोग आके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन हम मेरे लिए वो मेरा घर है, मैं वहीं पे बचपन से पला बड़ा हूँ। विंग ये देखता है और कहता है, बचपन से, तुम तो अभी भी कौन सा जवान हुए हो, तुम अभी भी छोटे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे। विंग उस बच्चे के गाल पोक करने लगता है और उसके गाल छेड़ने लगता है। यहाँ पर वो बच्चा कहता है, मुझे टच मत करो। विंग देखता है, इतने छोटे से बच्चे के पास भी छड़ी थी। यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारे पास इस एज में भी छड़ी है। यहाँ पर वो बच्चा अपनी छड़ी को छुपाता है और कहता है, मेरी छड़ी पे नज़र मत लगाओ। विंग यहाँ पर उस बच्चे को बहुत सस्पिशियस नज़रों से देखने लगता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन, कहीं तुम कोई दम पिशाच तो नहीं हो ना। वो बच्चा कहता है, क्या मैं तुम्हें दम पिशाच लगता हूँ। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उनके बारे में बहुत सारी स्कैरी स्टोरी सुनी है।
पर वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, मुझे ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। लेकिन मैं उन्हें सच बताऊँ ना तो पूरी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनसे ज़्यादा भयंकर कोई क्रिएचर मैंने आज दिन तक नहीं पाया और उन जितना ड्रामनी स्टोरी मैंने किसी की नहीं देखी। या पर वो छोटा सा बच्चा जो होता वो कहता है बुलशिट। विंग कहता है ओके फटाफट से मुझे ले चलो, ट्रेन लेट ना हो जाए, मैं कहीं यहाँ ना छूट जाऊँ। वो विंग को रास्ता दिखाता है और वो दोनों के दोनों उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे धीरे धीरे अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने कंपार्टमेंट के लिए चल रहे थे। विंग भी उस बच्चे को कहता है तुम कैसे जाओगे, क्या तुम किसी से खो गए हो। वो बच्चा कहता है नहीं मैं खुद से चला जाऊँगा। वो कहता है अरे अरे लिटिल बनी तुम्हारा नाम क्या है। लिटिल मास्टर ओ हेलो। तो वो आदमी पीछे मुड़ता है और कहता है मेरा नाम लैंतूजी है। विंग कहता है ब्रदर मैं तुमसे कुसुम में ही मिलूँगा। वो आदमी कहीं और जाने वो छोटा बच्चा कहीं और जाने लगता है। विंग कहता है पक्का ना, तुम यहाँ पे किसके साथ आए हो, तुम्हारे कोई फादर ब्रदर ब्रदर हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा आगे मुड़ जाता है और वो किसी और कंपार्टमेंट में जाके बैठ जाता है। विंग यहाँ पे लेट हो रहा था तो वो अपने कंपार्टमेंट में जाता है और अपने कंपार्टमेंट में जाके बैठ जाता है। विंग यहाँ पर अपनी शीजे को बताता है कि किस तरह से वो खो गया था। जंगचा तो पूरा पैनिक कर चुका था कि विंग आखिर गया क्या है, पर टाइम से विंग आ गया था। यहाँ पर विंग कहता है कि मुझे एक छोटे से बच्चे ने रास्ता दिखाया, वो गुसू से था, उसकी उम्र बहुत छोटी थी पर उसके पास भी छड़ी थी। यहाँ ये बात सुनकर ना न्यू हसिंग बहुत ज़्यादा भुचक्का रह जाता है और कहता है इतनी छोटी उम्र में छड़ी, ये कैसे पॉसिबल है, हम तो 14 साल के हुए हैं तब हमें छड़ी मिली है, और ब्रदर भी आप कह रहे हैं कि वो 5 से 7 साल का होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विंग कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो बहुत छोटा है और उसके पास छड़ी है। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कहता है वो कौन इंसान है। तभी विंग बताता है उसका नाम लैंतूजी है, वो मुझे अभी अभी बाहर मिला, उसी ने मुझे, वो इतना छोटा सा था पर उसने मुझे यहाँ के रास्ते दिखा दिए। ये बात सुनते ही नियो सिंह हैरान हो जाता है और जंगचा भी। जंगचा यहाँ पर विंग के मजे लेने की सोचता है और कहता है कहीं वो दम पिशाच तो नहीं था, कहीं उसने तुम्हारी सोल का कुछ हिस्सा चुरा तो नहीं लिया। विंग घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं वो बिल्कुल भी दम पिशाच नहीं था। और यहाँ पर उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ती है और गुस्से के लिए चली जाती है। गुस्सू आने से पहले ये लोग थक के आराम से लेट गए थे और ये लोग आराम से सो रहे थे अपने कैबिन को लॉक करके। तभी कैबिन पे दरवाज़ा खड़कता है और एक लेडी आती है और वो इन लोगों को बोलती है कि गुस्सू आने वाला है, कृपया अपने अपने सामान को वापस से बांध लें और उसे एक जगह एकत्रित कर लें। जैसे ही ये बात वो बोलती है यहाँ पर विंग और सारे लोग एक एक करके उठने लगते हैं और वो अपने सामान को बांध के एक जगह इकट्ठा रख देते हैं। वो लेडी सबको इन्फॉर्म करती हुई चली जाती है। उसके बाद जो सीनियर्स थे वो डिसाइपल बाहर आते हैं और उन लोगों को बोलने लगते हैं कि इस तरह से उन्हें उतरना है, किस तरह से उन्हें अपने सामान को लेके जाना है। धीरे धीरे गुसू का वो जगह आती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी, उसके बहुत बड़े बड़े किले थे, बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे, दूर से ही वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत अलग दिख रही थी, धुएं कोहरे को चीरती हुई एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जो ना जाने एक गुप्त जगह में बसी हुई है, शायद यहाँ पर दूसरी दुनिया के परिंदे भी पर नहीं मार सकते। विंग को ये चीज़ आभास हो गई थी, वो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत थी, उसके आसपास ठंडा कोहरा था और उसके आसपास ग्रीनरी थी। यहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें बहुत आकर्षित लग रही थी, उसने ऐसी खूबसूरती कभी भी नहीं देखी थी। विंग एक्साइटेड होकर अपने सामान को संभालते हुए वहाँ उतरता है। वो देखता है कि आसपास का माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सीनियर सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं, सारे बच्चे एक एक सामान ट्रॉली पे रख के और अपने अपने रैबिट्स यानी कि एनिमल्स और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग वहाँ से गुसू के लिए निकलने लगते हैं। विंग देखता है गुसू के यहाँ पर बहुत सारे पहरेदार हैं और एक एक करके वो लोग अपने इनविटेशन को दिखाते हैं और अंदर सबकी एंट्री होने लगती है। विंग हैरान था, उसने ये जेस्चर कभी नहीं देखा था। फिर उसे याद आता है वो लिटिल ब्रदर जिसने उसकी हेल्प की थी, उस पूरे क्राउड में उस इंसान को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि वो लिटिल प्यारा सा बच्चा जो है वो अपने हाथ में कुछ लिए हुए था। वो बच्चों की लाइन से अलग चलते हुए अपने गार्ड्स को कुछ दिखाता है जो कि बहुत अलग सा जेड टोकन था और उस जेड टोकन को दिखाने से वो बच्चा
दूसरी लाइन में चलते चलते उन लोगों को पार कर देता है और आगे बढ़ जाता है। बीइंग पीछे से उसका नाम चिल्लाता है, लेंथुजी लेंथुजी, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। विंग को ये बच्चा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है। आखिर ये बच्चा है कौन, ये आपको आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। ये बच्चा उसे बहुत ही अलग सा लग रहा था, जिसे रास्ते भी पता थे, और एक टोकन दिखाने के चक्कर में वो बंदा फटाफट से दूसरे रास्ते से कहीं और भी चला गया। और आखिर उस टोकन की इतनी महत्वाकांक्षा या फिर इतना महत्व क्यों था, विंग को ये भी नहीं पता होता। वो आगे जैसे ही बढ़ता है, उसे बहुत ही अलग अलग प्रोफेसर दिखते हैं। कुछ वियर्ड थे, कुछ बहुत डिफरेंट थे, कुछ के चेहरों पे ही गुस्सा और पनिशमेंट नज़र आ रही थी। वो सारे एक जगह जाते हैं, पूरे पूरे जैसे ही बच्चे कॉरिडोर से निकलते हैं, एक बड़ी सी वॉल उनके सामने आती है। उस वॉल पे यहाँ पर डिसाइपल्स बताते हैं कि इसमें हमारे यूनिवर्सिटी के सारे रूल लिखे हैं। विंग जैसे ही उन रूल को पढ़ता है, वो देखता है कि एक पढ़ा, दो पढ़ा, तीन पढ़ा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और पढ़ने के बाद लास्ट में देखता है कि टोटल रूल आखिर हैं कितने, जब वो रूल देखता है तो 3000 रूल सुन के उसके कानों में से धुआं निकल जाता है। और वो कहता है, 3000 रूल्स ये याद कैसे होंगे? वो आदमी कहता है, डोंट वरी, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मुँह ज़बानी याद हो जाएंगी। और वो आगे इन सबको ले जाता है, ये सारे के सारे आगे चल के एक हॉल रूम में जाके बैठते हैं। वो हॉल रूम बहुत डिफरेंट था, और बड़े बड़े शैंडलियर थे, और जिन पे हमेशा रोशनी रहा करती थी, मोमबत्ती जग रही थी, और उस जगह की छत भी नहीं थी। विंग को यकीन नहीं आ रहा था ये कैसी जादुई मायावी जगह है। और वहाँ पर सामने लेंचरन लेनन और उनके साथ लेनी, बहुत सारे लोग खड़े थे। वो सारे इन बच्चों को बहुत प्यारे तरीके से आदर करते हैं, सारे बच्चे उन्हें बो करते हुए एक जगह सीट पर जाकर बैठते जाते हैं, और एक एक करके वो पूरा कमरा भर जाता है। गाइस, मैं अपने चैप्टर को यहाँ स्टॉप करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन चैप्टर्स में बहुत सारे लूप होल हैं, जो आके चल के आपको आपके सामने खुल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें सस्पेंस है और क्या क्या चीज़ें राज हैं। और देखते हैं कि अगले जो विंग हैं और जो उसके बाकी के दोस्त हैं, वो कौन से ग्रुप्स को चूज़ करेंगे, गरुड़ को, चील को, या नाग शक्ति को, यानी कि नागिन ग्रुप को। तो देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि जो नागिन ग्रुप है उसमें कौन कौन जाना चाहेगा, और इस कहानी में असली जो वोल्डेमॉर्ट का किरदार है वो किसे निभाना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।